उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में दिए अपने इस बयान के बाद से राहुल गांधी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस भी उनसे बात करना चाहती थी। अब विवादित बयान के मामले में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के आवास पर पहुंची, जहां पर दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के आवास के बाहर बैठे कांग्रेस के कई सारे प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोला और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। बता दें कि एक एक कर कांग्रेस के कई बड़े नेता राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे। काफी इंतजार करने के बाद पुलिस की राहुल गांधी से मुलाकात हो पाई। वहीं स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि दिल्ली पुलिस की मीटिंग राहुल गांधी के साथ हो चुकी है। सुनिए क्या बोले सीपी सागर प्रीत हुड्डा। अभी तो जो हमारी बातचीत हुई है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो हम माननीय एमपी महोदय श्री राहुल गांधी जी से ले रहे हैं, क्योंकि बयान ऑनरेबल एमपी का था। तो उस बयान में जो जो बातें हुई उनके ऊपर हमने उनको कहा है कि जो विक्टिम हैं, जिनके बारे में ऑनरेबल एमपी ने बात की थी श्रीनगर में, उन महिलाओं को आगे कोई नुकसान ना हो या कोई एविडेंस का लॉस ना हो, इसलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हमें जानकारी मिलेगी हमारी कानूनी प्रक्रिया उतना जल्दी शुरू होगी और जो महिलाएं हैं उनको फर्दर अब्यूज से बचाया जा सकता है। चलिए एक बार आप खुद सुनिए क्या था राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में दिया, जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आपने देखा। आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। बता दें कि बयान को लेकर पुलिस की एक टीम 15 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस देने गई थी। हालांकि टीम ने वहां 3 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन राहुल गांधी नहीं मिले। इसके बाद 16 मार्च को दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी दोबारा उनके घर गए। 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद राहुल उनसे मिले और नोटिस रिसीव किया। पार्टी ने कहा था कि वो सही समय आने पर कानून के मुताबिक नोटिस का जवाब देंगे। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।